अबे ओ मैलुआ, चार दिन से दुकान पे कस्टमर नहीं आए हैं और तुम यहाँ बैठ के लौंडियाबाजी कर रहे हो। लौंडियाबाजी नहीं, भूत बाजी बोलो मालिक, भूत बाजी। काहे कि ये जो लड़की गई है वो लड़की नहीं, भूत है भूत। इसके मुंडे आगे और पैर पीछे थे। अबे ओ भूत मंत्री, हम तुमको भूत पहचानने के लिए काम पे रखे हैं का? यहाँ दुकान पर रखी दवाइयाँ एक्सपायर हुई जा रही हैं और तुमको कोई फिकर ही नहीं है। तो का हम तुमको बोले थे कब्रिस्तान में मेडिकल खोलने का? तुम्हारे जैसा चूरन आदमी आज तक नहीं देखे मालिक। हम कितना कहे कि अस्पताल के बाहर मेडिकल खोल लो, चौराहे पे मेडिकल खोल लो, अरे गली मोहल्ले कूचे में मेडिकल स्टोर खोल लो, लेकिन नहीं, कब्रिस्तान में मेडिकल खोलेंगे। अरे कोई कब्रिस्तान में मेडिकल खोलता है क्या? अबे हम सोचे थे कि कब्रिस्तान में चार लोग इतनी दूर दूर से अर्थी उठा के लेके आते हैं, किसी के हाथ में दर्द होगा तो किसी के पैर में दर्द होगा, किसी को चक्कर उल्टी सरदर्द होगा, तो अपने मेडिकल से धड़ाधड़ दवाइयाँ बिकेंगी। लेकिन अब हमको पता चला है कि आजकल लोग अर्थी कंधे पे नहीं गाड़ी से उठा के लेके आते हैं, चार लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती है ससुरा। हाँ तो अब क्या, भूत प्रेत चुड़ैलों को दवा बेचो। ए भैया, इस पर्चे पे जो दवा लिखी है ये निकाल दो। हाँ पर्चा दिखाओ। अमा भैया, कौन से डॉक्टर से पर्चा बनवा के लेके आए हो? इसमें तो सब उल्टा पुल्टा लिखा है। कहा? ये देखो, ये सब का लॉरेंस सलमान सब लिखा है। अबे भांग खा के बैठे हो का? आंखें खोल के देखो, पर्चा उल्टा पकड़े हो। अच्छा अच्छा अबे तुम बता नहीं पा रहे हो पर्चा उल्टा है। मालिक, इतना पढ़े लिखे होते तो तुम्हारे यहाँ नौकरी गए कर रहे होते। हाँ ये बात भी सही है। ए भैया, ये सही गलत बाद में करना, हमको हमारी दवा निकाल दो, हम जाएं। अरे भैया, दुकान में इतना लाखन करोड़न का माल लगा है, दवा ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अब ये कोई रसगुल्ला तो है नहीं कि चप से निकाले और पक से खा लिए। अच्छा ज्यादा बकैती ना पेलो, दवा निकालो दवा। अबे मल्लू, ये देखो क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मालिक, अंग्रेजी में कुछ तो लिखा है। अबे हमको तो लग रहा है उर्दू लिखी है। नहीं मालिक, ये देखो, ये है यच, ये है यस, और ये है यू, और यू तो शायद क्यू से क्वीन वाला क्यू है। हाँ हाँ हाँ, और ये का लिखा है, ए फॉर एप्पल वाला ए है शायद। भैया ना समझ में आ रहा हो तो पर्चा घुमा दो, हम कहीं और से देख लेंगे। अबे मालिक को समझ कर रखे हो, MCBC डॉक्टर है ये। अबे MBBS। हाँ MBBS। MBBS और ये कहाँ मजाक कर रहे हो, ये तो किसी एंगल से झोला छाप डॉक्टर भी नहीं लग रहा है। बहुत बोल रहे हो तुम, बहुत बोल रहे हो, हमारे मुंह ना लगो, हम बहुत हरामी पीस हैं। अबे हमको तुम्हारे मुंह लगना भी नहीं है, हमको हमारी दवा तो हम जाए। मैलू जाओ जल्दी से इनकी दवाई निकाल के लाओ। मालिक कौन सी दवा निकाल दें बताओ तो। अबे अपने पसंद की कोई भी दवा निकाल लाओ, ये ससुरा जान ही नहीं पाएगा। अपने पसंद की कोई भी दवा निकाल दे मालिक। हाँ आप जल्दी से जाओ। ठीक है मालिक। हाँ ये ठीक है, ये लो मालिक। ये लो भैया, जागने से पहले और सोने के बाद चार चार गोली खा लेना, दिन में 2 बार उबलते पानी के साथ। वो सब हमको पता है, दवा कैसे खानी है, कब खानी है, डॉक्टर साहब हमको सब बता दी ने। तुम बस पैसा बताओ पैसा। 420 रुपया। जैसा काम वैसे ही दाम। क्या बोला? कुछ नहीं, ये लो 420 रुपए। अबे मैलू, आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, शहर में पात पात के बीमारी फैला दो, कुछ तो दवाइयाँ बिके। हाँ यू अच्छा बताए हो मालिक, हमारी पास से कोई मर गया तो हम तो जेल चले जाएंगे। अबे पाजने के जुर्म में आज तक कोई जेल गया भी है? वैसे भी तुम्हारी पास से आदमी मरता नहीं, तड़पता है तड़पता। जाओ किसी गली मोहल्ले में पात के पॉइजन फैला दो। अबे ओ मेडिकल स्टोर वाले,
अरे ये तो वही कस्टमर है जो परसों आया था। लग रहा है तुम्हारी दवा काम कर गई है मैलू। दवा नहीं काम करी सही माली, दवा का रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन वो देखो। अबे मेडिकल वाले ये कौन सी दवा दे दिए हो हमको? दो दिन में हमारे तोंद में था ना खोपड़िया में सींग निकल आई है। कौन सी दवा? जो पर्चा में लिखा था वही दवा दिए थे? अबे पर्चे पे डॉक्टर साहब एंटी सी ओ क्लॉक 500 mg दवा लिखे थे और तुम हमको भैंसिया के हार्मोन्स बढ़ाने वाली दवा दे दिए हो। ना भैया, ये दवा हमारे मेडिकल पे मिलती ही नहीं है। अबे ओए झूठ ना बोलो, पिछवाड़े में सींग डाल के उठा देंगे। बहुत तेज गुस्से में है हम। अरे भैया तुम गुस्सा ना हो, ये हमारा नौकर मैलू दिमाग से थोड़ा पैदल है, गलती से गलत दवा दे दिया होगा। मालिक अब हमारा मुंह ना खुलवाओ, हम मुंह खोल देंगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। अबे तुम बिल्कुल कुछ ना बोलो, चुपचाप बैठे रहो। और भाई साहब आपको तो दवा चेक करके लेना चाहिए, डब्बे पे बड़ी बड़ी भैंसिया बनी है, देखना चाहिए था ना। हम तुम दोनों पे भरोसा करके दवा लेके गए थे, यही तो हमारी मिस्टेक है। भैया आजकल किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जिन पे भरोसा करो वही बोल निकलते हैं। अबे तुम 2 मिनट चुप बैठोगे? ओ भैया तुम शुक्र मनाओ, हमारा नौकर गलती से तुमका सल्फास की टिक्की नहीं दे दिस रहे, वरना तुम आज इसी कब्रिस्तान में दफन होते। लेकिन अब गलती हुई है तो इसकी सजा तो मिल के रहेगी। अरे भैया तो इसको दो सजा, यही गलती करी से। हम क्या किए हैं? अबे ओए तू इधर निकल के बाहर आ, तुझमें तो मैं सींग मार के इतना छेद करूंगा कि तू चाय छानने वाली छन्नी बन जाएगा। बस बस बस, बहुत हुआ सम्मान, अब हमारी सुनो। ये बल्लू बिहारी 5वीं फेल मेडिकल स्टोर खोल के बैठ गया है, इसको आता जाता घंटा कुछ नहीं है, इसको अंग्रेजी में अपना नाम लिखना तक तो आता नहीं है, दवा का पर्चा क्या खाक पड़ेगा। यही परसों हमसे बोला था अपने पसंद की कोई भी दवा निकाल दो, कस्टमर जान नहीं पाएगा, तभी हम अपनी पसंद की ये दवा उठा के दे दिए थे। अबे मैलू चुप। मैलू को छोड़ो, तुम पहले हमसे निपटो। ये ले गलत दवा देता है। अरे भैया गलत दवा।